Welcome to biology जो है, है। इसमें लैक होता है। और जो लैक ऑपरन है इसके जनरल स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था जैकॉब एंड मोनोड ने उसके बाद जो लैक ऑपरन है ये एक एग्जाम्पल है इंड्यूसेबल ओपरन की जो इंड्यूसेबल ओपरन है यहाँ पे एक इंड्यूसर चाहिए जो इंड्यूसर है ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है तो जो लेकोजर है जिसे हम भी बोलते हैं इसमें यहाँ पे जो इंड्यूसर है ये लैक्टोज है तो जब भी यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा विच इज जीन्स प्रेजेंट है ये सभी एक्सप्रेस होने लगेंगे मीन्स ये ट्रांसक्राइब होने लगेंगे तो इससे जो एप्रोन है ये ऑन हो जाएगा सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसेबल ओपरन उसके बाद जो लैक ओपरन है इसमें एक प्रोमोटर प्रेजेंट है ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज इज कॉल्ड लेक सबसे पहले यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है ये जो रेगुलेटरी जीन है ये ओपरन का पार्ट नहीं है ओपरन में इतना पोर्शन आता है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपरन बट ये ओपरन को कंट्रोल करता है मीन इसको रेगुलेट करता है नेगेटिव रेगुलेशन इस रेगुलेटरी जीन की हेल्प से होती है उसके बाद यहाँ पे एक प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट है और जो प्रोमोटर रीजन है इसके पास यहाँ पे प्लस वन साइट है दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट मीन्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट होती है जब इस रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होती है नाउ जो प्रोमोटर एंड जो इनिशिएशन साइट है इसके पास ये इतना सा सीक्वेंस जो है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर सीक्वेंस नौ जो ऑपरेटर है ये भी ऑपरन की रेगुलेशन में हेल्प करता है जो भी लैक ऑपरन के रिप्रेसर हैं ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करते हैं और जो लैक ऑपरन है इसको रिप्रेस करते हैं इसको ऑफ करते हैं तो ये भी एक रेगुलेटर है जो ऑपरेटर है उसके बाद यहाँ पे वन टू तो एंड थ्री दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है इन्हें हम बोलते हैं लैक जेड लैक वाई

एक इसमें ग्लूकोज होता है और दूसरा इसमें गिलेक्टोज होता है तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेक्टोज नाउ यहाँ पे जो इंजाइम बीटा गिलेक्टोसाइडेज है ये लेकटोज को तोड़ता है ब्रेक करता है इन ग्लूकोज एंड गलेक्टोज उसके बाद यहाँ पे जो इंजाइम बीटा गिलेक्टोसाइडेज है सेकेंडली ये लेक्टोज को एलोलेक्टोज में कन्वर्ट करता है उसके बाद सेकेंड जीन इज लैक जीन जो लैक जीन है इट कोड फॉर इंजाइम लेक्टोजर्मीज नाउ जो लेक्टोजर्मीज इंजाइम है ये यहां पे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये सेल है तो सेल में जो लेक्टोस है ये सेल में एंटर करता है, विद है इसका जीन जो है इट इज लैक वाई जीन उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट में एंड लास्ट इज लैक एजीन यहाँ पे जो लैक एजीन है इट कोड फॉर इंजाइन ट्रांसऐसी

इससे एक एसिटाइल ग्रुप को यहाँ पे जो इंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज है ये ट्रांसफर करता है ऑन बीटा गलेक्ट्रोसाइड ताकि इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो सके नौ यहाँ पे लैक रिप्रेसर प्रेजेंट है तो जो लैक रिप्रेसर है ये रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स विच आर प्रेजेंट इन लैक ओपरन यहाँ पे जो लैक रिप्रेसर है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन यहाँ पे ये लैक है और इसके इस साइड यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता है जिसे हम आई के साथ डिनोट करते हैं तो ये जो रेगुलेटरी जीन है ये कोड करता है डिफरेंट रेगुलेटरी रिप्रेसर्स को विच आर कॉल्ड दी लैक रिप्रेसर्स जो ल, लैक रिप्रेसर है ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स

नेगेटिव रेगुलेशन होती है और नेगेटिव रेगुलेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है ये बहुत कम होता है इन दैक्टो यहाँ रेगुलेटरी जीन है, lactose, पे जो है gene, ये क्या करता है ये ट्रांसक्राइब होता है इनटू एमआरएनए और इससे एक लैक रिप्रेसर बनता है नाउ ये जो लैक रिप्रेसर है ये एक टेट्रामर है मींस यहाँ पे सेम सब यूनिट्स प्रेजेंट है इसमें फोर सब यूनिट्स प्रेजेंट है

ऑपरेटर रिजन के साथ जाके बाइंड करेगा नाउ इसके बाइंड होने के साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है डिफरेंट जीन्स की विच आर इंक्लूड दिस एंड ए जीन्स इनकी ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पे जो लैक रिप्रेसर है ये आरएनए पॉलीमरेज ए की बाइंडिंग के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करता यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे मूव नहीं कर पाएगा और जब ये मूव नहीं करेगा तो जो स्ट्रक्चर जीन है इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो इस तरीके से जो रिप्रेसर है ये यहाँ पे लैक ऑपरन को ऑफ फॉर्म में रखता है नो रिप्रेसर एक ऐसा कंपाउंड है एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लैक ऑपरन को ऑफ कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर रहा है सो so, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन और यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेटर है रिप्रेसर जो कि नेगेटिव रेगुलेशन को परफॉर्म कर रहा है नाउ जब यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट हो विच मींस लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट हो तो इस केस में क्या होता है कि जो लैक ओपरोन है ये ऑन फॉर्म में रहता है नाउ दिस इज अ अक ओपर और ये आई आयोजी प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड द रेगुलेटरी जीन्स जो कि यहाँ पे रिप्रेसर की फॉर्मेशन कर रहे हैं जब यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है इज कॉल्ड द लैक्टोज लैक्टोज तो यहां पे जो lactose है ये बाइंड करता है विद द रिप्रेसर रिप्रेसर का जो एलोस्टेरिक साइट है इसके साथ ये बाइंड करता है सो दिस इज अ लैक्टोज तो लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो रिप्रेसर के एलोस्टेरिक साइट के साथ ये बाइंड ही करेगा नाउ इससे क्या होगा कि जो रिप्रेसर है इसमें ऑपरेटर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है तो यहां पे जो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है में जिसके साथ ये यहाँ पे ऑपरेटर में uh, के साथ जाके बाइंड करता है ये यह साइट पे इनएक्टिवेट हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर रिजन से डिसोसिएट हो जाएगा और ये जो लैक ऑपरन है ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स है ये ट्रांसक्राइब होने लगेंगे मीन्स इनकी ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगी बिकॉज जो आर एन है ये इस डायरेक्शन में मूव करता है जब

तो यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टर के साथ जो लैक्टोज है ये सेल के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पे जो इंजाइम करेगा ग्लूकोज एंड गेक्ट्रोज है ये एक मीन्स एक्चुअल में जो लैक ऑप्टन है इसको इंड्यूस करता है एलोलेक्ट्रोज सो इट इज एक्चुअल इंड्यूसर यहाँ पे जो एलोलेक्ट्रोज है ये बाइंड करता है लैक रिप्रेसर के साथ और लैक को इनएक्टिवेट करता है और इसके साथ जो लैक रिप्रेसर है ये प्रोमोटर रीजन से या फिर ऑपरेटर रीजन से डिसोसिएट हो जाता है तो यहाँ पे एलोलेक्टोज इज एक्चुअल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपरन उसके बाद जो लैक्टोज है ये एक अपेरेंट इंड्यूसर है और उसके बाद जो आईपीटीजी ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है और जो आई है इसकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं चाहिए जब हम इसे मीडिया में प्रोवाइड करते हैं तो ये एज इट इज जो है सेल में एंटर कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तो यहाँ पे जब ये सेल में एंटर करता है तो ये बाइंड करता है रिप्रेसर के साथ और इसे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लेके आता है और डिसोसिएट करता है रिप्रेसर को फ्रॉम द प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन सो तो यहाँ पे जो आई है ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है सो इट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेचुएट इंड्यूसर ज एंड लेक्टोज ये दोनों प्रेजेंट है और जो बैक्टीरिया है विच इज इक्लाई ये प्रेफरेबली ग्लूकोज को यूज करेगा सबसे पहले ये यहाँ पे लेक्टोज प्रेजेंट है लेकिन फिर भी लेकटोज को यूज नहीं करेगा ग्लूकोज को यूज करेगा तो इसके साथ यहाँ पे ग्लूकोज यूज हो रहा है और जो ग्लूकोज है ये यह यहाँ पे को ऑफ करता है सो ग्लूकोज इनहिबिट करता है इसको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक जीन है विच इज कॉल्डी जीन इट इज कॉल्ड कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जीन और कैटाबोलाइट जीन प्रोटीन एक्टिवेटर तो यहाँ पे ये जो सी एपी जीन है यहाँ पे ये एनकोड करता है एक सी एपी प्रोटीन को तो सबसे पहले जब ये सी एपी जीन जो है ये ट्रांसक्राइब हो, होता है और आफ्टर ट्रांसलेशन सी एपी प्रोटीन बनता है इज कॉल्ड द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन और ये जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है इसकी एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे साइक्लिक ए एम पी की जरूरत पड़ती है तो जब यहाँ पे साइक्लिक ए एम पी प्रेजेंट होता है

तो यहाँ पे जो सी एंड साइक्लिक ए कॉम्प्लेक्स है ये एक पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रेगुलेशन है ये सीएपी एंड साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है जबकि जो लैक ऑफ्रोन है इसमें जो रिप्रेसर है ये नेगेटिव रेगुलेशन में हेल्प करता है उसके बाद जब यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा मीडिया में तो जो सीएमपी है ये डिक्रीज हो जाएगा इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो इसके साथ क्या होता है कि जो सीएपी है ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि सीएपी जो है तभी एक्टिव होता है जब यहाँ पे सी एम पी साइक् ए एम पी के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे साइक्लिक ए एम पी कम है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो इसके साथ क्या होता है कि जो लैक ऑफ्रोन है ये ऑफ फॉर्म में रहेगा तो जब यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा मीडिया में तो लैक ऑफ्रोन ऑफ रहेगा लेकिन जब यहाँ पे ग्लूकोज जो है ये एब्सेंट होगा तो इससे साइक्लिक ए एम पी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा विद सी ए पी प्रोटीन